हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर सैनी व्लॉग्स। और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से देहरादून। तो आज का व्लॉग है दिल्ली से देहरादून, और आज मैं जा रहा हूँ मसूरी एक्सप्रेस से। तो आज आपको सफ़र दिखाते हैं दिल्ली से देहरादून बाय मसूरी एक्सप्रेस। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी ट्रेन आ चुकी है। मसूरी एक्सप्रेस का सबसे पहला स्टॉप है गाजियाबाद। और ये हमारी ट्रेन गाजियाबाद पहुंच चुकी है। अभी हमारी ट्रेन गाजियाबाद रात के 12 बज चुके हैं और हमें मसूरी एक्सप्रेस में। अब आपसे मिलते हैं हम सुबह हरिद्वार में। पहुंच चुके हैं हरिद्वार। सुबह का लगभग 7 बजे का टाइम है और गाड़ी हरिद्वार पहुंच चुकी है। ये गाड़ी रात को 10:30 बजे दिल्ली से चली थी और सुबह 7 बजे हरिद्वार पहुंच चुकी है। यहां से 1.5 घंटा और लगेगा इसे देहरादून पहुंचने में। तो यहां से हरिद्वार से देहरादून का सफ़र हम आपको आगे दिखाते हैं। और ये आप पीछे देख रहे हैं हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। यहाँ से ऋषिकेश और देहरादून के लिए, दोनों जगह के लिए ट्रेनें जाती हैं। आप किसी भी वक्त हरिद्वार से ऋषिकेश और देहरादून के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। यहाँ का स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है। और हमारी ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। अब नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा देहरादून। यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। काफ़ी साफ़ दिखाई दे रहा है यहाँ का स्टेशन, आप भी देख सकते हैं। और अभी हमारी गाड़ी रायवाला जंक्शन पर पहुंच चुकी है। रायवाला जंक्शन पर मसूरी एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। और हम पहुंच चुके हैं डोईवाला। यहां से 15 या 20 मिनट का रास्ता है देहरादून का। तो अब लास्ट स्टॉप है देहरादून। 15 मिनट बाद हम पहुंच जाएंगे देहरादून।
और ये मसूरी एक्सप्रेस का लास्ट स्टॉप है देहरादून। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं देहरादून रेलवे स्टेशन पर। यह गाड़ी रात को 10:30 बजे चली थी दिल्ली से और सुबह 8:30 बजे अपने राइट टाइम पे पहुंच चुकी है देहरादून।